लोगों ने बना दिया था ना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं बेलूर मठ बाय रोड बाय ट्रेन, तो दिखाते हैं आपको चल के कैसे पहुंचते हैं हम लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेलूर मठ ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ एंट्री के लिए कोई किसी भी प्रकार की टिकट नहीं लगेगा। और सुबह सुबह हम लोग आ चुके हैं, चलिए आपको आगे दिखाते हैं। ये मुख्य मंदिर है बेलूर मठ। मंदिर जो है वो सभी ग्रंथ सभी धर्म स्वभाव के दृष्टि से बनाया गया है। तो एक एंगल से देखने पे हिंदू मंदिर प्रतीत होता है, एक एंगल से देखने से आपको मुस्लिमों की कलाकारी दिखेगी और थोड़ा चर्च का भी इसमें झलक दिखती है अलग अलग एंगल से देखने से। और यहाँ पे रामकृष्ण मिशन जो स्कूल चलते हैं उसका मुख्यालय है। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की समाधि स्थल और उनके गुरु जो थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी की समाधि स्थल भी यहाँ पे मौजूद है। कोलकाता के बेलूर में स्थित है, उमी नदी के किनारे, और पूरे विश्व में अपनी खास पहचान रखता है स्वामी विवेकानंद जी के कार्यों के मद्देनजर रखते हुए। तो आप लोग आइए घूमने के लिए। यहाँ पे कैमरा पूरी तरह से अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी दूरी से आप फोटोग्राफी कर सकते हो। आइए आपको और भी दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। और ये जो है मंदिर का मुख्य द्वार है। इधर से आप जूते चप्पल वहाँ पे उतार सकते हो, वहाँ पे बना हुआ है। लेकिन चूंकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो हम आपको अंदर दिखा नहीं सकते, ये तो अंदर दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे मंदिर है, ये गार्डन है बड़ा सा, 40 एकड़ में ये फैला हुआ है। 1901 में इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और ये इधर हुगली नदी बह रही है। और इसके उस पार आपको दक्षिणेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा और काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। ये मेरे मित्र हैं, हाय बोलो। अभी हम लोग आपको गंगा किनारे जाके यहाँ का व्यू दिखाते हैं। हम लोग स्नान भी कर सकते हैं, स्नान करके यहाँ मंदिर में पूजा करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और ध्यान लगाते हैं, मन की शांति चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। माँ गंगा के दर्शन, ये गंगा है, यहाँ इसे हुगली नदी कहते हैं। ये इसी किनारे बसा हुआ है, यहाँ से लोग नहा के यहाँ पे चेंजिंग रूम है, यहाँ पे कपड़े चेंज करके यहाँ समान ध्यान होके बैठ सकते हैं। मंदिर है से एक बहुत यूनिक सा फल का पेड़ मिला है मंदिर परिसर के अंदर। आपको इसका नाम होगा तो बताइएगा, ऐसे नागफनी सुनने में आया इसका नाम। तो दोस्तों, ये रहा छोटा सा बेलूर मठ का टूर हमारा। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। अब हम लोग निकलते हैं और थोड़ा लेट हो रहा है। और वीडियो कैसा लगे कमेंट में बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो तकलीफ आए।